This meeting is being recorded. Okay, तो मेरा नाम है अमित खट्टर. हम कर रहे हैं पावर मिल 2020 के अंदर मिलिंग के टूल पास. पिछले ट्यूटोरियल में हमने किया था लाइन प्रोजेक्शन, ठीक है. हम फिनिशिंग के टूल पास कर रहे हैं, जिसमें हमने 5 टूल पास की सीरीज बना रहे हैं. कर्व, लाइन, प्लेन, पॉइंट एंड सरफेस, ठीक है. सबसे पहले लाइन करेंगे, देन प्लेन करेंगे, पॉइंट, फिर कर्व करेंगे, फिर सरफेस करेंगे. तो लाइन ट्यूटोरियल हमने पिछले ट्यूटोरियल में किया लाइन टूल पाथ. अब हम करते हैं प्लेन. तो जिसको लाइन समझ में आ चुका है उसके लिए प्लेन समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि तकरीबन सेम जैसे. तो अगर वीडियो नहीं देखी है पहले तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, पहले एक नंबर वीडियो देखो लाइन फिनिशिंग की, फिर ये वाली वीडियो देखो, ठीक है. तो ये है प्रोजेक्शन लाइन फिनिशिंग. तो प्रोजेक्शन प्लेन फिनिशिंग. तो प्रोजेक्शन प्लेन फिनिशिंग में हमारे को क्या करना है, जैसे पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा कि हमारे पास लाइन प्रीव्यू कर रही थी. हम क्या करते हैं, इसको हाइड कर देते हैं टूल पाथ को, और यहाँ पे प्रीव्यू करके देखते हैं हमारा प्लेन किधर आ रहा है. ये देखो, ये प्लेन कुछ इस तरीके से आ रहा है, इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री लिख देता हूँ तो ये प्लेन कुछ इस तरीके से आ रहा है. एंगल जैसे हम पहले दे रहे थे वैसे ही इसमें एंगल भी है, ठीक है. इसकी वैल्यू चाहिए हमारे को, इसको जीरो कर देते हैं. अगर 50 कर दूंगा तो 50, वाई में -25 कर देता हूँ सेंटर में, ठीक है. अब इस प्लेन की थिकनेस कितनी होनी चाहिए वो यहाँ पे पता लगेगी कि थिकनेस कितनी, विड्थ कितनी, ठीक है. तो विड्थ हम यहाँ पे अगर -50 लिख दें, ठीक है, तो ये इसकी विड्थ बढ़ गई. अगर हाइट बढ़ानी है तो यहाँ पे -100 लिख सकते, ठीक है. तो जितने एरिए पे ये प्लेन होगा, जितने एरिए पे ये प्लेन होगा उतने के ऊपर प्रोजेक्शन आएगा. अब इसमें एक यू डायरेक्शन, एक वी डायरेक्शन है, टू वे जॉइंट बिल्कुल सेम है जैसे पहले वाला है. तो कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से चल रहा है. जितने एरिया पे प्लेन है, अगर मैं प्रीव्यू करके दिखाऊं, ये देखो बिल्कुल प्लेन के नीचे नीचे ही हमारा जो टूल पाथ है वो कैलकुलेट हो. अगर यू की जगह वी डायरेक्शन कर दू तो ये वी डायरेक्शन, ठीक है. तो U डायरेक्शन चाहिए या V डायरेक्शन चाहिए वो हमारी मर्जी, ठीक है. अगर मैं प्रोजेक्शन में प्लेन को, जैसे हमने पहले देख रहे थे, प्लेन को एंगल दे देता हूं थोड़ा सा, तो जो टूल पाथ बनेगा उसके हिसाब से बनेगा, उस सरफेस के ऊपर ही जो उसको सरफेस मिल रही है, ठीक है. पर बनेगा क्या उस एंगल के हिसाब से, ठीक है. तो उस एरिया में ही काम करेगा. तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि प्लेन प्रोजेक्शन और लाइन प्रोजेक्शन तकरीबन एक जैसे हैं. लाइन प्रोजेक्शन में लाइन थी, प्लेन में हमारे पास पूरा प्लेन है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे को काम करना है, ठीक है. टूल हमने वैसे ही लिया है, ब्लॉक बिल्कुल सेम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हमारा बिल्कुल सेम है, बाकी सारी चीजें सेम, बस फर्क क्या है कि उसमें लाइन थी और इसमें हमारे पास जो है प्लेन, ठीक है. तो लाइन प्रोजेक्शन हो चाहे प्लेन प्रोजेक्शन हो, हमारे को इस बात का ध्यान रखना है कि सरफेस उसके नीचे होनी चाहिए, यानी कि जो मेरा प्लेन है उसकी परछाई कहीं ना कहीं पड़ती होनी चाहिए जिसके ऊपर हमारे को टूल पाथ बनाना है, ठीक है. तो लाइन प्रोजेक्शन समझ में आ गया हमारे को, प्लेन प्रोजेक्शन भी समझ में आ गया. नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम पॉइंट प्रोजेक्शन कैसे कर सकते हैं, ठीक है. तो स्टेप बाय स्टेप हमारी सीरीज देखनी है. पहले हमने
लाइन किया, फिर प्लेन किया, अब हम पॉइंट प्रोजेक्शन करेंगे, इसके बाद हम कर्व प्रोजेक्शन करेंगे, देन सरफेस प्रोजेक्शन करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो ट्यूटोरियल मिले। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। कोई मन में डाउट आ रहा है, कोई शंका आ रही, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मन में तो कमेंट बॉक्स में लिखो, कोशिश करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सेव सोल्यूशन निकाला जाए उसका। और जब भी बेल आइकन दबाते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन दबा के जाना है, वीडियो को लाइक करना है, क्या वीडियो में सबसे अच्छी चीज लगी वो भी लिख के जाना है। ठीक है।